हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद किन्नरी। मेरे किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बिल्कुल हलवाई स्टाइल एकदम खस्ता यम्मी एंड टेस्टी मूंग दाल की कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बनाना बहुत ही आसान है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जब कचौरी बनकर तैयार होती है तो बहुत ही खस्ता और यम्मी लगती है। बिल्कुल हलवाई जैसी कचौरी बनकर तैयार होती है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो करनी होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कितनी टेम्प्टिंग, करारी, ये देखिए सॉफ्ट भी है और इजीली टूट भी जाती है। आप अंदर की फीलिंग भी अच्छे से देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया है। ये देखिए, इस कचौरी को आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं या फिर चाट भी बना सकते हैं। एक मैंने कचौरी चाट भी सर्व किया है, ये देखिए। तो ऐसी यम्मी एंड टेस्टी कचौरी बनाने के लिए मेरी वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए कचौरी बनाना स्टार्ट करते हैं। मूंग दाल कचौरी बनाने के लिए मैंने यहाँ हाफ कप साबुत मूंग दाल जो आती है येलो वाली, वो ली है। तो हाफ कप मूंग दाल ले लेंगे। अब इसे पानी में मैंने भिगो दिया है, लगभग 2 से 3 घंटे इसे भिगो के रखना है। आप कोई भी छोटी सी कटोरी का नाप भी ले सकते हैं। कचौरी बनाने के लिए पहले आटा गूंथ लेंगे। तो यहाँ मैंने टोटल 2.5 कप आटा लिया है। 1.5 कप मैदा डालेंगे और 1 कप बाद में गेहूं का आटा डालेंगे। 1 कप और गेहूं का आटा डालेंगे, ये फाइन फ्लोर है। आप चाहे तो सिर्फ मैदा भी ले सकते हैं या फिर सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। मैंने दोनों साथ में लिया है। स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देंगे। चलिए अब मोइन डालते हैं। तो इसके लिए मैंने 1/4 कप गरम घी लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है खस्ता कचौरी बनाने के लिए। घी गरम करके ही लेना है, तभी आपकी कचौरी जो है वो खस्ता और करारी बन पाती है। तो घी को अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, घी को मैंने आटे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। मुट्ठी बनती है, मतलब कि मोइन हमारा परफेक्ट है। चलिए अब आटा गूंथ लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप जितना मीडियम गर्म पानी लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, गरम पानी लेना है हमें आटा गूंथने के लिए। और ये इम्पॉर्टेंट टिप को आपको याद रखना है और सॉफ्ट डो लगाना है फ्रेंड्स। ये देखिए, ऐसा सॉफ्ट डो चाहिए हमें कचौरी बनाने के लिए। जैसे चपाती का आटा गूंथते हैं वैसा ही डो हमें लगाना है। तो ये हमारा डो बनकर रेडी है। 1 कप पानी लिया था हमने, तो इसमें से 1-2 चम्मच बच गया है। थोड़ा सा घी लेकर 1 से 2 मिनट के लिए और मसल कर इसे चिकना बना लेंगे। अब इसे 1/2 घंटे के लिए साइड पर रख देंगे, तब तक नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। चलिए एक ड्राई मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बॉल ले लिया है। 1 टेबलस्पून जितना रेड चिली पाउडर लिया है मैंने, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला ले लेंगे, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून भुने हुए जीरा का पाउडर लिया है मैंने, 1/2 टीस्पून काला नमक जो आता है वो ले लेंगे, 1 टेबलस्पून जितना मैंने यहाँ आमचूर का पाउडर लिया है। इससे टेस्ट बहुत ही इन्हांस हो जाता है फ्रेंड्स। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो आमचूर पाउडर डाल देंगे टेस्ट को और बढ़ाने के लिए। मैंने यहाँ 1 टीस्पून सौंफ और ये जो साबुत धनिया आता है वो लिया है 1 टीस्पून जितना। इसको हम पहले मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने दरदरा पीस लिया है। अब इसे सारे मसाले में डाल देंगे।
अब सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ अभी मैंने नमक नहीं डाला है, बाद में हम नमक डालेंगे। तो ये लीजिए, हमारा मसाला तैयार है। ये देखें, इस तरफ लगभग 3 घंटे के बाद हमारी जो मूंग दाल है वो अच्छे से फूल चुकी है, तो पीसने के लिए तैयार है। पहले इसे अच्छे से धो लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए पीसते वक्त। ये देखिए, मैंने मूंग दाल को अच्छे से पीस लिया है। एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनानी है, आप अच्छे से देख सकते हैं, ऐसी दरदरी पेस्ट चाहिए। तो चलिए अब स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है। यहाँ लगभग 4 टेबलस्पून जितना मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। आप चाहे तो थोड़ा घी भी ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तब इसमें 1/2 टीस्पून जितना जीरा डालेंगे, 2 पिंच जितनी हींग डाल देंगे। जीरा थोड़ा सा फूटने लगे, बाद में हमने जो मसाला तैयार किया था वो डाल देंगे। गैस की फ्लेम लो रखनी है। अब इसे 25 से 30 सेकंड तक भून लेंगे अच्छे से लो फ्लेम पे। अगर हाई फ्लेम रखेंगे तो मसाले जल सकते हैं, तो लो फ्लेम पे इसे भुनेंगे। ये देखें, 30 सेकंड के बाद यहाँ मैंने 1/2 कप बेसन लिया है, यानी कि ग्राम फ्लोर लिया है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे भूनना है हमें अच्छे से। ये देखें, बेसन को हमने अच्छे से भून लिया है। अब जो हमने पेस्ट बनाई थी मूंग दाल की वो डालेंगे। अब सारी सामग्री को 10 से 12 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसमें, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगातार इसे अच्छे से भून लेना है फ्रेंड्स। ये देखिए, लगातार चलाते हुए लगभग 12 से 13 मिनट के बाद हमारा स्टफिंग जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। गैस मैंने बंद कर लिया है। आप अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ी सी मूंग दाल भी दिखाई दे रही है। ये देखिए, जैसे बाहर की कचौरी की फिलिंग में होती है वैसी ही इसका क्रंच बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स। तो अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ये देखिए, स्टफिंग हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसमें से मीडियम साइज़ के बॉल बना लेंगे। इससे कचौरी बनाना बहुत ही आसान रहता है, मतलब स्टफिंग हम इजीली कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरफ हमारा जो आटा है वो बिल्कुल सेट होकर रेडी है, ये देखिए। लेकिन और इसे 4 से 5 मिनट तक मसल मसल के चिकना करना है, एक भी क्रैक नहीं रहनी चाहिए। तो अच्छे से मसल लेंगे। ये देखिए, बीच में मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया था। अब इसे और अच्छे से मसल लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। चलिए, अच्छे से मसल लिया मैंने आटे को। अब इसमें से एक समान पार्ट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी कर सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ की कचौरी बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मैं इसके पार्ट कर लूँगी। पेड़े मैंने बना लिए, अब कचौरी बना लेते हैं। यहाँ एक चकला ले लिया है मैंने, एक पेड़ा भी रख दिया। अब इसे हल्के हाथों से बेलना है। ये देखिए, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, मीडियम साइज़ की पूरी बेलनी है हमें, ये देखिए, और थिक रखनी है। अब जो हमने स्टफिंग बॉल बनाया था वो बीच में रख देंगे ऐसे। अब चारों ओर से ऐसे पूरी को उठाएंगे, ये देखिए, ऐसे बहुत ही ईजी है। और बीच में ला के अच्छे से सील करना है। ये देखिए, जो ऊपर का पार्ट है आटे का उसको ऐसे तोड़ लेंगे। ये देखिए, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो तोड़ लेंगे। अब अच्छे से चपटा कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से सील हो गया।
वैसे दबाकर फिर से हल्के हाथों से बेलेंगे। ज़्यादा नहीं बेलना है। ये देखिए एक कचौरी हमारी तैयार है। अब मैं आपको दूसरी मेथड बताती हूँ। ये देखिए एक पेड़ा मैंने ले लिया। अब इसे कटोरी शेप दे देना है अच्छे से। ये देखिए कितना इजीली स्प्रेड हो रहा है हमारा आटा। ये देखिए बहुत ही इजी मेथड है। ये भी इजी है, फर्स्ट वाले भी बहुत ही इजी थी, ये भी इजी है। अब इसमें जो हमने स्टफिंग बॉल बनाया था वो रख देंगे चारों ओर से ऐसे ऊपर उठाते हुए। ये देखिए अच्छे से सील कर लेना है। ये देखिए अच्छे से सील मैंने कर लिया है। अब इसे चपटा कर लेंगे। चलिए इसे भी बेल लेते हैं। बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है। आपको दोनों में से जो मेथड पसंद आए उससे आप बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। इस तरह हम सारी कचौरी बना लेंगे। इस तरफ बड़ी सी स्टील की कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। गैस की फ्लेम पहले मैंने मीडियम रखी थी लेकिन अभी मैंने लो कर ली है। लो फ्लेम पे ही कचौरी को तलना है। ये देखिए ऐसे केयरफुली कचौरियाँ रख लेंगे। एक बैच में हम लगभग 3 से 4 कचौरियाँ फ्राई कर सकते हैं। यहाँ मैं 3 कचौरी रख रही हूँ। ये देखिए। और एक बात का खास ध्यान रखना है, मतलब कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप आपको याद रखनी है कि कचौरी को बिल्कुल लो फ्लेम पे ही फ्राई करनी है, तभी आपकी कचौरी जो है वो खस्ता और क्रंची बन पाएगी। फ्रेंड्स ये देखिए जैसे जैसे तेल गर्म होता जा रहा है वैसे कचौरियाँ ऊपर आने लगी है, तो बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इसे फ्राई करेंगे। चलिए कचौरी को अब पलट देते हैं। ये देखिए केयरफुली पलटना है। तो ऐसे पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे फ्राई करना है फ्रेंड्स। तो बहुत ही पेशेंट के साथ फ्राई करेंगे। चलिए फिर से पलट देते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया फूली है हमारी कचौरी, आप अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सब्र और करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी अच्छा खासा कलर नहीं आया है, हमें गोल्डन ब्राउन कचौरी चाहिए। तो अभी और फ्राई होने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स पलटते पलटते हमारी मूंग दाल कचौरियाँ बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। ये देखिए कितनी टैम्पटिंग, कितनी क्रंची करारी दिख रही है, आप अच्छे से देख सकते हैं फ्रेंड्स। है ना बिल्कुल आसान बनाना। तो इसे निकाल लेंगे। कचौरियाँ मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल ली है। ये देखिए मैंने एक बड़ी कचौरी रखी है, आप अच्छे से देख सकते हैं। आप इस साइज़ की भी बना सकते हैं कचौरी। अब इसका मैं चाट बनाऊंगी, बहुत ही बढ़िया लगता है कचौरी चाट। ये देखिए पहले हम बीच में से ऐसे तोड़ लेंगे। ये देखिए कितनी क्रंची बनी है और सॉफ्ट भी है। पहले मैंने चॉप्ड ओनियन डाली, अब उस पर 1-2 चम्मच दही डाल देंगे। 1-2 चम्मच मीठी चटनी डालेंगे, ये खजूर इमली की चटनी है। थोड़ी सी ग्रीन चटनी रख देंगे, ये धनिया और पुदीने की चटनी है, थोड़ी सी स्पाइसी चटनी है, बहुत ही बढ़िया लगती है। थोड़ी सी सेव रखेंगे, जो बारीक वाली सेव आती है नायलॉन सेव वो रखी है मैंने, बहुत ही बढ़िया लगती है फ्रेंड्स। थोड़ा सा हरा धनिया रख देंगे। तो ये हमारा चाट बनकर तैयार है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स एकदम खस्ता यम्मी एंड टेस्टी मूंग दाल कचौरी बनकर बिल्कुल रेडी है। जैसे कि आपने देखा कि कितना आसान है बनाना,
थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन बहुत ही बढ़िया कचौरी बनती है, तो आप भी इसे घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और अगर अच्छी लगती है मेरी रेसिपी तो प्लीज़ कमेंट करना भी ना भूले फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार।